बच्चों तुम लोगों को कहानियां बहुत पसंद है आज हम तुम लोगों को एक चित्र कथा पढ़ाएंगे यू लाइक द स्टोरी इज वेरी मच आई टेल यू अ पिक्चर स्टोरी टूडे अ क्रू इज इन द मैंगो ट्री द क्रू हैज अ पीस ऑफ ब्रेड इन हिज माउथ His mouth is full. He is happy. He will now eat the bread. The fox is under the mango tree. She looks at the crow. The fox is very clever. She wants the piece of bread. She wants to eat it alone. She tells the crow to sing a song. She thinks that when the crow would sing, he'd open his mouth and the piece of bread would fall down. The fox says to the crow, 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 you are so beautiful. Sing, crow, sing. Sing, ka, ka, ka. Sing, crow, sing. The crow listens to his praise. He feels very happy. He does not realize the cleverness of the fox. He thinks he really sings well. He feels proud of himself. He wants to please the fox. He forgets about the piece of bread in his mouth. The crow sings. He sings an ugly song. Ah, the crow opens his mouth. The piece of bread falls down. The fox looks at the piece falling from the crow's mouth. She immediately runs to pick it up. She picks up the bread. The fox is very happy. With the big piece of the bread in her mouth. She feels so content. She does not want to listen to the caw caw of the crow. She runs fast to a safe place. The crow realizes his mistake. He flies down to snatch the bread from the fox. But before the crow

पीस का क्या अर्थ है हिना तुम बताओ टुकड़ा द क्रो हैज a पीस ऑफ ब्रेड इन हिज माउथ क्या अर्थ है इस वाक्य का द क्रो हैज अ पीस ऑफ ब्रेड इन हिज माउथ क्रो के, के मुंह में रोटी का टुकड़ा रोटी का था कौआ के मुंह में एक रोटी का टुकड़ा है द क्रो हैज a पीस ऑफ ब्रेड इन हिज माउथ दूसरा शब्द तुम पढ़ो राहुल रोहित दूसरा शब्द पढ़िए क्लेवर क्लेवर का अर्थ क्या है चतुर द फॉक्स इज वेरी क्लेवर क्या अर्थ होगा समर्थ लोमड़ी बहुत चतुर है बिल्कुल ठीक कहा सीमा तुम तीसरा शब्द पढ़ो रियल इसकी स्पेलिंग भी बोलो आर एल आई जेड ई रियलाइज मैंने क्या होता है अनुभव करना करना रियलाइज रियलाइज हिज मिस्टेक क्या अर्थ हुआ उसने अपनी कौे ने कौ ने अपनी गलती गलती मान महसूस कर ली अनुभव कर लिया ठीक चौथा शब्द तुम पढ़ो ही ना ब्यूटीफुल का क्या अर्थ है सुंदर बैठ जाओ लोमड़ी ने कौवा से कहा यू आर सो ब्यूटीफुल क्या अर्थ होगा समर्थ लोमड़ी लोमड़ी ने कौवे से कहा तुम बहुत सुंदर बिल्कुल ठीक कहा अगला शब्द पढ़िए रोहित प्रेस क्या अर्थ है प्रशंसा ठीक फॉक्स दिक्रो क्या अर्थ हुआ द फॉक्स प्रेज द फॉक्स ने प्रशंसा किया किसकी प्रेसिस दिक्रोस क्रो क्रो माने कौ कौआ लोमड़ी ने कौ की प्रशंसा प्रेस दिखो वो प्रशंसा करता लोमड़ी कौआ की प्रशंसा करती अगला शब्द पढ़ो प्लीज प्लीज का अर्थ क्या है प्रसन्न करना किसने किसको प्रसन्न करना चाहा कौए ने सोचा अगर हम सुंदर गाएंगे तो लुमड़ी प्रसन्न हो जाएगी इसलिए क्रो वॉन्ट्स टू प्लीज दी फॉक्स अगला शब्द पढ़ो सीमा स्नैच स्नैच का क्या अर्थ है छीनना द कोक्रो वांट्स टू स्नैच द पीस ऑफ ब्रेड कौए ने क्या चाहा? कौ लोमड़ी से आ, रोटी का टुकड़ा छीनना छीनना चाहा। अगला शब्द पढ़ो तुम पढ़ो कॉन्टेंट कॉन्टेंट का अर्थ क्या है संतुष्ट संतुष्ट लोमड़ी ने जब रोटी का टुकड़ा पा, पा, पा लिया तो शिवस कांटेंट वो बिल्कुल संतुष्ट संतुष्ट थी एंड द क्रो इज क्राइंग क्राई का अर्थ क्या है चिल्लाना रोना कौए का टुकड़ा चला गया तो कौआ रोने लगा नाउ यू लुक एट दिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस वेयर इज द क्रो द क्रो इज इन द ट्री एक बात यहां समझने की है इन द ट्री कहा ऑन द ट्री नहीं कहा पेड़ पर बैठा है लेकिन यहां कहते हैं इन द ट्री इंग्लिश में जब पेड़ के बिल्कुल ऊपर कोई चीज हो कौवा पेड़ के बिल्कुल ऊपर तो नहीं बैठा है पेड़ में बैठा इसलिए इन द ट्री द पर्सन इज सिटिंग इन द चेयर कुर्सी मैं बैठा है बट द पर्सन इज सिटिंग ऑन द स्टूल जब स्टूल पर कहेंगे तो क्या कहेंगे ऑन द स्टूल कुर्सी में कहेंगे तो क्या कहेंगे इन द चेयर द क्रो इज सिटिंग इन द मैंगो ट्री कहां बैठा है वो इन द मैंगो ट्री पर व्हाट हैज ही इन इज माउथ bolo, What has the crow in his mouth? The crow in the mouth has mouth has has a mouth. mein? has a piece of bread. Yes, the crow has a piece of bread in his mouth. 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 Who looks at him? A fox look at him. Looks at him. What does the fox want? She wants to eat bread. She wants to eat the bread. bread. What, what does she do? She praises the crow. Correct. She praises the crow and asked to sing a song. song the crow sings when he says ka 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 his mouth opens and the bread falls the down what does the crow do the crow sings sings a song then what happens Piece of bread piece falls, down. falls down. And when the piece falls down, what does the fox do? The fox eat, eats it, takes the bread and eats and it, and, and runs, it. runs away to a safe place. What does the Crow do then? Crow feels. He wants to snatch the priest piece, But the fox runs away and eats the bread. Then crow is crying. 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 Now you read the sentences. First sentence. The cow is the crow is in the tree. The crow is in the tree. Second sentence, Roy. He has a piece of bread in his mouth. Correct. Third sentence. A fox looks at him. Fourth sentence. He is, she wants to eat the bread. Yes. Fifth one. She praises the crow and asks him to sing. Then, what does the crow do? Crow sings. Sings. Then what happens? Piece of bread falls down. Falls down. The fox was very happy. And what is the opposite word of the happy? Un unhappy. Unhappy. The fox was happy and the crow was unhappy. 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 The piece of bread falls down. एंड डाउन अप का ऑपोजिट डाउन डाउन द क्रोज लाफिंग रो रहा था तो रोने का ऑपोजिट क्या होगा हंसना एंड ब्यूटीफुल अगलीफुल ब्यूटीफुल बहुत सुंदर इसका ऑपोजिट क्या है अगली अगली अब देखो तुम लोगों ने इस कहानी को पढ़ा अब जरा विचार करो कौ ने अपनी रोटी क्यों गंवा दी क्या सुनकर प्रसन्न हुआ अपनी प्रशंसा अपनी प्रशंसा सुनकर खुश हुआ जो अपनी प्रशंसा सुनकर के बुद्धि का प्रयोग नहीं करते विवेक का प्रयोग नहीं करते विवाद में पछताते हैं रोते हैं इस पाठ से तुमको क्या शिक्षा मिलती है हमको सदैव अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर कार्य से विरत नहीं होना चाहिए वी शुड ऑलवेज यूज अवर ब्रेन्स एंड शुड नॉट बी कैरीड अवे बाय फॉल्स प्रेस कहानियों में एक शिक्षा होती है एक उपदेश होता है जिसको जीवन में उतार कर हम अपने जीवन को बना सकते हैं बच्चों तुम लोगों ने आज कौआ और लोमड़ी की कथा के माध्यम से एक शिक्षा ग्रहण की तुम लोगों ने देखा कि चित्र कथाओं में और कथाओं में जीवन को सुधारने के लिए एक उपदेश निहित होता है तुम लोगों ने इस कथा के माध्यम से ये विचार किया ये शिक्षा ग्रहण की कि झूठी प्रशंसा सुनकर हम लोगों को अपने विवेक को नहीं खोना चाहिए विचार कर काम करना चाहिए अगली बार हम लोग फिर जब मिलेंगे तो अगली कथा के माध्यम से एक शिक्षाप्रद कहानी तुम लोगों के समक्ष